हाथ में शौच का डिब्बा और कलेक्टर के सामने खड़ी महिलाओं को देखकर हर कोई आश्चर्य में था। इस मंजर को जिसने भी देखा वह हंसे बिना नहीं रह सका। यह सब कलेक्ट्रेट में हुई साल की सबसे पहली जन सुनवाई के दौरान देखने में आया। एक ग्रामीण महिला पंचायत की शिकायत लेकर यहाँ न्याय की उम्मीद से आई थी। यहाँ आई महिलाओं ने शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने और गांव की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा हमें वर्षों से शौचालय तक की मंजूरी नहीं दी गई, इसके कारण हमें जंगल में जाना पड़ता है। जंगल में जीव और जंतुओं से खतरों से रूबरू होना पड़ता है। विवेकानंद सभागृह कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई प्रारंभ होते ही जिले भर से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए। कलेक्टर अनुग्रह पी ने समस्याओं को सुना और उनके आवेदन लिए, साथ ही अधिकारियों को निराकरण के आदेश दिए। जनसुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। डब्बे लेकर यहाँ पहुँचे थे कि उनके यहाँ शौचालय नहीं बने। और तहसील गोगावा के दसनाल गांव की महिलाएं थी, इन्होंने ज्ञापन सौंपाया कलेक्टर साहब के नाम से, जिसमें पंचायत से संबंधित शिकायत है, शौचालय प्रधानमंत्री आवास से संबंधित शिकायतें उस ज्ञापन के रूप में इन्होंने सौंपा। सर, जिला ODF होने के बाद महिलाएं डब्बा लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँची थी, वो तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। सर, हम क्या है, ग्राम दसनावल गोगांव ब्लॉक से आए हैं और हमारे यहाँ की सर जो शासन द्वारा जो योजनाएँ जो दे रहे वर्तमान में अभी, वो सारी योजना का अभी तक हमारे गाँव को शौचालय से लेके कुटीर तक, नल योजना की और जो भी स्कूल संबंधी है सब शासकीय योजना, अभी तक हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। और हम लोग 2017 से दौड़ रहे हैं, ज्ञापन कई जगह दे चुके हैं, जिला पंचायत में जो कि CO को भी दे चुके हैं, ब्लॉक में कलेक्टर महोदय को भी 2-3 बार दे चुके हैं, यानी कि 13 शिकायत हमारी हो चुकी है अभी तक। अभी शौचालय संबंधी क्या समस्या है? शौचालय सर हमारे यहाँ कम से कम बड़ी मुश्किल से 10-15% बना हुआ है। अभी हम हमारे जो कुइली गाँव है उसमें 36 घर के मकान है, उसमें से 6 शौचालय बने हुए, 30 ऐसे ही है। हमारा जो गाँव है, मेरे यहाँ खुद के यहाँ भी नहीं, पूरे गाँव में ऐसी स्थिति है, शौचालय भी नहीं है। और जो खरंजा संबंधी चीज़ें है, खरंजा पूरे कागज पे बने हुए हैं, यानी कि गिट्टी भी नहीं बिछाई हुई है। ODF कर दिया सर, उसको पूरा मुक्त कर दिया, इनाम भी मिल चुका है, वो मिलना था वो शासन द्वारा, वो सारी चीज़ें मिल चुकी है, इसलिए हमको आज आना पड़ा कलेक्टर महोदय से मिलने। लापरवाही मानते हो? ये सर सरपंच और इनके साथ में जो जुड़े हुए अधिकारी लोग हैं, इनके ऊपर और कोई बड़े, जब इतना बड़ा गबन कर रहे हैं ना, अभी तक 3 साल से जाँच नहीं हो रही, तो कोई बड़े नेता का भी हाथ हो सकता है इसमें, जाँच क्यों नहीं हो रही? क्या मांग करते हैं सर? हमारी ये मांग है कि जो भी योजनाओं का गबन किया गया है और जिन लोगों को नहीं मिला है अभी, जो नहीं मिला है उनको भी मिलना चाहिए, और जो गबन को शासन का पैसा जो गरीबों का इन्होंने जो मिल बांट के बंदर बांट करी है, इनकी पूरी जांच होना चाहिए और इनके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए और इन गरीबों का पैसा उनके हित में लगना चाहिए। शौचालय जैसे अभी ये महिलाएं जो गांव से आई हैं सभी डब्बे लेकर आई हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो सर ये मैसेज, अब आप सोच मुक्त कर दिया देश को पूरा, और हमारे गाँव में आज भी महिला बुजुर्ग महिलाएं डब्बे लेके घूम रही, अभी आने वाले समय में इतनी घटना हो रही, अभी कुछ समय पहले गैंगरेप कहीं हो रहे, महिलाएं बाहर जाती उनको खतरा है, कभी कई बार कई घटना हो सकती है, फिर शासन पूरी लग जाती है, पूरी पुलिस प्रशासन को लगा देते, जांच पे लगा देते, और आज हमारे पास एक छोटा सा शौचालय है उसकी जांच के लिए हम 3 साल से दो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।